सुनो भी क्या कह रहे हैं, जो समझा हो बोलो क्या कह। घर का इंश्योरेंस लेना, घर का इंश्योरेंस लेना बीमा पॉलिसी घर की। देखो इंश्योरेंस के बारे में सुनो, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। कोई प्रॉपर्टी हो, कार हो, दुकान हो, शॉप हो, सेंटर हो, तीन इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। दारुल देवबंद का फतवा एक तीनों ना जाएगा। क्या इस मसले में मैं फतवा नहीं दे रहा, फतवा वही है। मेरी राय ये है कि लाइफ इंश्योरेंस और बॉडी पार्ट इंश्योरेंस ना जाएगा और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जाएगा। क्यों? इनका मेथड अलग है। बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें अगर मुद्दत पूरी हुई और कोई हादसा पेश नहीं आया तो रकम सु। और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में एक कंपनी की मेंबरशिप है, उस मेंबर आप मेंबर बन गए, अगर मुद्दत में आपका नुकसान हो गया तो वो कंपनी आपके नुकसान अपने कायदे के मुताबिक करेगी। और अगर मुद्दत पूरी हुई और कोई नुकसान नहीं आया तो आपके पैसे गए, वापस कुछ नहीं मिलेगा। बस इसमें कुछ ताउन मिलेगा या पैसे गए, ये थोड़ा सा मुखामरा है, सट्टा है। इसलिए दारुल देवबंद का दारुल इफ्ता कहते ये भी ना जाए। मगर मैं ये कहता हूँ कि इस ज़माने में आजकल आप जानते हैं कि मेडिकल कितना मुश्किल हो गया, इलाज कितना मुश्किल हो गया, अगर उसके लिए कोई थोड़ी सी गुंजाइश नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं फतवा नहीं दे रहा, फतवा तो दारुलूम का है कि लाइफ इंश्योरेंस हो, बॉडी पार्ट इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो। अभी कश्मीर में जमीयत उलमा ने एक सेमिनार किया था, मैं उसमें शरीक नहीं था, मैं नहीं जा सका था सबक की वजह से। उस सेमिनार में तकरीबन 200 मुफ्ती इकट्ठा हुए थे, उन सबका जो फैसला आया वो ये कि मेडिकल इंश्योरेंस भी जायज नहीं। मगर मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को और मेडिकल इंश्योरेंस को कहता हूँ कि उसमें गुंजाइश है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की और बॉडी पार्ट इंश्योरेंस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फतवा वही है। क्योंकि इसमें सट्टा गैम्बलिंग है कि या तो ताउन मिलेगा अगर नुकसान हो गया, नहीं मुद्दत पे पैसे गए, ये जो है यूं या यूं, इसी का नाम किमार है, इसी का नाम मैसीर है, इसी का नाम सट्टा है, इसी का नाम गैम्बलिंग। तो इसमें थोड़ा सा है, इसलिए दारुल देवबंद का दारुल फतवा यही है कि भी जाएगी।